आगे बढ़ते हैं। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में आपको बता दें कि इस दौरान छापा पड़ा। उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में सुबह ही यह छापेमारी हुई है। दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में सुबह से यह छापेमारी, आपको बता दें कि सुबह ये छापेमारी हुई है। सुबह पांच बजे से लेकर 8 बजे तक ये छापेमारी की गई। जेल के हर वार्ड, सेल, अस्पताल की गहन तलाशी की गई है। किसी तरह के फिलहाल इस तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किए गए हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये छापेमारी की गई है। हालांकि इस पूरे छापेमारी के दौरान किसी भी तरह के आपत्तिजनक सामान यहां पर बरामद नहीं किए गए हैं। आपको बताएं कि पिछले दिनों धनबाद में जिस तरह से अमन सिंह की हत्या कर दी गई थी, गैंगस्टर अमन सिंह की, उसके बाद से पूरे जेल में तलाशी ली जा रही है, तहकीकात की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो, इसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। धनबाद मंडल कारा में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद से रांची जिला प्रशासन भी अब पूरी तरीके से अलर्ट हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि रेस हो गया है। पर उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने आज सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये छापेमारी की। छापेमारी में टीम जेल के हर वार्ड, सेल और अस्पताल की जांच की है, गहन तलाशी की गई है। लेकिन तलाशी के दौरान आपको बता दें किसी भी तरह के कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुए हैं। छापेमारी के दौरान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, अस्पताल की भी गहन जांच की गई। महिला पुलिसकर्मियों ने हर महिला वार्ड की भी तलाशी ली है। छापेमारी दल में आपको बता दें कि सदर एसडीओ दीपक दुबे और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक, सिटी एसपी राजकुमार मेहता, कार्यपालक दंडाधिकारी पवन कुमार, संजय प्रसाद इसमें शामिल रहे। वही छापेमारी में सहयोग के लिए 15 पुलिस पदाधिकारी और 100 पुलिस जवान भी इस दौरान मौजूद रहे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कमल लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। कमल, सुबह सुबह कह सकते हैं कि अहले सुबह ही जेल में छापेमारी की गई, लेकिन जिस तरह से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में ये छापेमारी हुई, एक तरह से कह सकते हैं कि ये रैंडम हुई, लेकिन धनबाद में जिस तरह से फिर पिछले दिनों हत्या का मामला सामने आया गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या को लेकर, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रेस हो गया है। बिल्कुल अमिता, लगातार जिस तरह से पहले भी छापेमारियां होती रही हैं जेल के अंदर, और ये देखा जाता रहा है कि आपत्तिजनक सामान कुछ ना हो, लेकिन अभी जो हाल में धनबाद मंडल कारा में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या हुई, गैंगस्टर की, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि हथियार जेल के अंदर कैसे पहुँचा, और इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय, झारखंड पुलिस मुख्यालय गंभीर है। और ये कहा जा सकता है कि लगातार राज्य के अन्य जितने भी जिले हैं, लगभग सभी जेलों में लगातार औचक निरीक्षण का सिलसिला जारी है, और इसी के तहत रांची बिरसा मुंडा कारागार में भी छापेमारी की गई, और लगभग बड़ी संख्या में अधिकारी वहां पहुंचे थे। डीसी के नेतृत्व में निर्देश पर यह छापेमारी हुई, उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में, लेकिन जो संख्या पहुंची वहां पर, लगभग 100 जवान वहां पर पहुंचे और 15 पुलिस कह सकते हैं अधिकारी समेत जो प्रशासनिक पदाधिकारी, तो एक बड़ा कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर पूरे जेल का निरीक्षण किया गया है। महिला वार्ड हो या फिर जेल का अस्पताल वार्ड हो या अन्य सेल या वार्ड हो जहां पर कुख्यात कैदी हो या फिर और बड़े अपराधी हो, सभी की छानबीन की गई है। और अब तक जो सूचनाएं मिली हैं, जिस तरह से रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा ने भी बताया कि ये रेगुलर होता रहता है, लेकिन फिलहाल आपत्तिजनक सामान कोई बरामद नहीं किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से धनबाद में जेल के अंदर हथियार पहुंचता है, हत्या हो जाती है, और उसमें दो दो पिस्टल वहां पहुंचे थे धनबाद के अंदर और हत्या हो जाती, ऐसे में उससे पहले भी धनबाद में छापेमारी करके जेल से छापेमारी की गई थी प्रशासन के द्वारा, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, और कुछ दिनों बाद फिर हत्या जैसी घटना को अंजाम दे दी गई, तो इसको लेकर के सवाल उठे हैं। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि अब झारखंड पुलिस और सभी जिले की पुलिस लगातार रेस है इस मामले को लेकर के, अलर्ट है और सतर्कता के तौर पर जेलों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि जेल से अगर कुछ भी बरामद होता है या फिर कोई भी आपत्तिजनक सामान और कोई सूचनाएं मिलती हैं तो उस आधार पर सुरक्षा को बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं लगातार ये भी बातें आ रही थी कि जेल प्रशासन पर सवाल उठे थे धनबाद वाले मामले पर, उसके बाद कोर्ट परिसर हो या फिर कोर्ट में जो कर्मी काम करते हैं, अधिवक्ता हो या फिर कैदियों को जब पेशी के लिए लाया जाता है, इसको लेकर के भी सुरक्षा
को लेकर के बैठक की है एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने। तो पूरे मामले पर अगर बात करें तो पूरी तरह से रांची पुलिस या फिर झारखंड के अन्य जितने जिले हैं उनकी पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है, खास करके धनबाद की घटना के बाद, और लगातार ये जाँच किया जा रहा है कि कहीं जेल में फिर कोई असामाजिक तत्व या असामाजिक सामान बरामद कहीं रखा तो नहीं गया है जिससे आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। अमिता, और एक बात ये भी आती रही हमेशा कि गैंगस्टर जेल से ही अपने गैंग को रिमोट कह सकते हैं, वहाँ से रिमोट के तहत वो चलाते हैं और अपने गुर्गों के माध्यम से रंगदारी वसूलते हैं, लेवी वसूलते हैं, हत्याएं कराते हैं, गोलियां चलवाते हैं, रंगदारी की तहत कई फोन कॉल भी आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये छापेमारी रेगुलर चलती रही है, लेकिन अब और इसमें सतर्कता बरती जा रही है और इसी के तहत बिरसा मुंडा कारागार भी छापेमारी की। बिल्कुल कमल, और जिस तरह से धनबाद में पिछले दिनों गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या को लेकर एक साजिश की गई और उनको हत्या भी कर दी गई अमन सिंह की, उसके बाद से सिर्फ धनबाद पुलिस नहीं बल्कि पूरे झारखंड में प्रशासन अलर्ट मोड पे और होना भी चाहिए, क्योंकि कब एक बड़ा हादसा जेल के अंदर से हो सकता है। जैसा कि आपने भी कहा कि जो गैंगस्टर है वो अंदर से ही अपने पूरे प्लान को तैयार कर रहे हैं, कब किसकी हत्या करनी है, ऐसे में इस तरह के औचक निरीक्षण की जरूरत है, और ऐसे में अगर प्रशासन अलर्ट मोड पे है तो ये बहुत अच्छी बात है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कमल। तो हम आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबर आ रही थी पिछले दिनों, आपको बता दें कि लगातार धनबाद में जिस तरह से गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या की गई, मौत के घाट उतारा गया, जिस तरह से लगातार प्रशासन, जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप सामने आते रहे, उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। और आज आपको बताएं कि बिरसा मुंडा कारागार में आज सुबह अहले सुबह छापेमारी की गई। हालांकि इस छापेमारी के दौरान किसी भी तरह के आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किए गए फिलहाल।